हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं उन स्टॉक्स को जिन स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ है, उसका नाम है गोवा कार्बन लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को 31 अगस्त को और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 482 का। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। दूसरा स्टॉक जिसमें आज की ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है, उसका नाम है EID पैरी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को 7 सितंबर 2022 को और इस स्टॉक ने आज की ट्रेडिंग सेशन में अपना पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 609.95 का। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा तीसरा स्टॉक जिसमें आज की ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है, उसका नाम है डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 11 सितंबर 2022 की वीडियो में और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना तीसरा और लास्ट टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 546.85 का। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं चौथा और लास्ट स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा फोर्थ स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ है, उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 13 सितंबर 2022 को और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 238.25 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो थे वे चार स्टॉक जिन चारों स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस स्विंग ट्रेड स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको कि आप अपनी वॉचेज में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जिस भी स्टॉक पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए होगा। इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है TCI। इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं क्लोज अबव 735.25। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर वे होंगे 754.50, 774.50 एंड 790 के। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा 19.25 रुपीज़ नीचे 716 के लेवल पर और इस स्टॉक का होल्डिंग टाइम रहेगा 1 to 5 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं TCI को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50 डे एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज एंड 100 डे एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, इस स्टॉक के आज के दिन के जो वॉल्यूम थे वे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ ट्रेंड लाइन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने चार्ट पर एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के लिए पिछले 4 महीने से एक सपोर्ट का काम कर रही है। इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पर 4 महीने में 3 बार सपोर्ट बनाया है। अब बात करते हैं चार्ट पर बन रहे कंसोलिडेशन जोन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने चार्ट पर एक ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर जोन ड्रॉ किया है। ये इस स्टॉक का कंसोलिडेशन जोन है। पिछले 16 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा था और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की। तो अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचेज में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में आज के दिन की क्लोजिंग जिसका की लेवल है 735.25, तो जैसे ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में 735.25 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है एंड नेक्स्ट डे इस क्लोजिंग के ऊपर आधे से घंटे सस्टेन करता है, तभी स्टॉक को बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 754.50, 774.50 एंड 790। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जिसका लेवल होगा 716 का, ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था TCI का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं और जैसे ही इसमें डिस्कस करेंगे लेवल्स आते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।